राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2022 का 3 दिवसीय आयोजन MB इंटर कॉलेज हल्द्वानी में किया जा रहा है। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हल्द्वानी के विधायक माननीय सुमित हृदेश और विद्यालय के प्रबंधक व विशिष्ट अतिथि हेमंत बगड़वाल के साथ ही स्थानीय संयोजक प्रधानाचार्य DK पंत उपस्थित रहे, जिन्होंने राज्य के 8 जनपदों से आए हुए 184 प्रतिभागी बास्केटबॉल खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए खेल भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों से आए हुए प्रतिभागी अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के अवसर पर उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आनंद सिंह खंपा और रॉयल बास्केटबॉल क्लब नैनीताल के हरीश चौधरी भी उपस्थित रहे। वहीं पहले दिन हुई प्रतियोगिताओं में अंडर 14 बालक वर्ग में नैनीताल ने प्रथम स्थान, देहरादून ने द्वितीय स्थान और पौड़ी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि अंडर 14 बालिका वर्ग में पौड़ी ने प्रथम स्थान, देहरादून ने द्वितीय स्थान और नैनीताल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हम यहाँ पे देहरादून से आए और हम यहाँ पे स्टेट के लिए आए थे नैनीताल के लिए, और हमने वहाँ पे ब्लॉक्स खेले थे जिसके द्वारा हम सिलेक्ट हुए। कुछ आधे 3-4 स्कूल से हम एक साथ आए और हम मिलके एक 3-4 स्कूल मिलके एक टीम बन के आए हैं ताकि हम खेल सकें और हम यहाँ पे जीतने के लिए आए। मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एकेश्वर पौड़ी से आई हूँ और यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर पहले हमारा मैच नैनीताल में हुआ था, नैनीताल में से हम फिर फाइनल जीते थे, तो हमारा मैच फिर हम अंडर 17 में हम फाइनल जीते, तो हमारा मैच यहाँ हल्द्वानी में हो रहा है स्टेट में, तब हमें बहुत अच्छा लगा है। ऐसी टीम देहरादून से आई है और 6 वर्गों में हम प्रतिभाग कर रहे हैं, सब जूनियर जूनियर सीनियर वर्गों में बालक बालिकाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं और टोटल हम 68 बच्चे आए हैं। और जब भी नैनीताल आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो यहाँ का आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण रहता है कि बहुत शानदार आयोजन होता है और बहुत शानदार व्यवस्थाएँ रहती हैं और यहाँ खेलने में बड़ा आनंद आता है। इससे पहले एथलेटिक्स में आए थे और अभी फिर बास्केटबॉल में आए हैं और हमारी टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और मेहनत करके आए हैं। डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए हैं बच्चे विभिन्न स्कूलों से और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे यहाँ से बेहतर खेल के जाएंगे और बेहतर सीख के जाएंगे। आज जो ये आयोजन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो हमें विद्यालय शिक्षा देहरादून से नैनीताल जनपद को मिली है, ये इसमें जो हमारे पूरे उत्तराखंड के 8 जनपद प्रतिभाग कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम के बाद से 2 साल प्रतियोगिताएं संपन्न नहीं हो पाई थी, तो 2 साल बाद फिर से जो हमारी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं, तो राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिताएं हमारी आज यहां प्रारंभ हो रही है, इससे बच्चे जो हमारे निकलेंगे वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।